दर्शकों, आज हम सल्ट महादेव में हैं और यहाँ पे हमारे गुरु जी वीर सिंह रावत जी, जो सल्ट महादेव में जिनका होम प्लेस है, यहाँ पे दुकान भी है जनरल स्टोर की। और आप देख सकते हैं गुरु जी से कुछ मंदिर के बारे में, जो पौराणिक मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से जाना जाता सल्ट महादेव का मंदिर। और मैंने पहले भी कहा कि कुमाऊँ और गढ़वाल के आस्था इस मंदिर से जुड़े हुए। तो गुरु जी, इसका मेला कब लगता है इसमें यहाँ पर? इसका मेला लगता है 14 जनवरी को। अच्छा, मकर संक्रांति का। अच्छा, और इस मंदिर को लघु केदार भी कहते हैं। हाँ, ये मंदिर जो है बहुत पुराना मंदिर है। और यहाँ पर जो पेड़ है मंदिर के सामने, बड़ के, पीपल के, आम के, ये आदि काल से ऐसे ही हैं। अच्छा, और यहाँ पर एक कुंड है पानी का, जिसमें अपने आप पानी नीचे से निकलता है मंदिर के बगल में। अच्छा अच्छा, और यहाँ पर जो इसकी वो है पौराणिक गाथा है, वो ये है कि यहाँ पर हमारे एक कवि थे, मनोज जी कवि, उन्होंने इसको काशी का नाम दिया था, छोटी काशी, क्योंकि इस मंदिर के सामने 3 नदियों का संगम भी है। अच्छा, जैसे इलाहाबाद में संगम है, वैसे भी इसको त्रिवेणी के नाम से कहते हैं। और ये जो है इस इलाके में प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। जी, हाँ, जहाँ पर कि लोग इस त्रिवेणी में घाट पर जो है अंत्येष्टि के लिए लोग आते हैं दूर दूर से। तो यहाँ पे रावत जी ने हमें, गुरु जी ने बारीकी से बात समझाई मंदिर की, और उन्होंने जो यहाँ पे मंदिर है उसके पौराणिक गाथा, उससे जुड़ी बातें, वो सारी चीज़ें हमारे वॉइस ऑफ माउंटेन पर बताई। तो दोस्तों, देखते रहिए आप वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज़। साथियों, आज वॉइस ऑफ माउंटेन सल्ट महादेव पहुंचा है और ये बरगद का पेड़ देख सकते हैं, साथ साथ भोले महाराज लग रहे हैं, भोले शंकर लग रहे हैं, जटाएं उनकी सेम लग रही है, आप देख सकते हैं ये जटाएं उनकी। शंकर महादेव बिल्कुल विराजमान होंगे जैसे इस पेड़ बरगद के नीचे। और बारीकी से देख सकते हैं आप, एक ककरेट से चारों तरफ से बिल्कुल कलाकारी की तरह इसको तराशा गया है, ये आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो आप बारीकी से यहाँ पे, मैं आपको आज 12 ज्योतिर्लिंगों में से यहाँ पे सल्ट का महादेव, जिसका भवना देवी से भी लिंक जुड़ा है, तेलु रतौली से भी इसकी कहानी जुड़ी है, तेलु रतौली जो एक वीरांगना थी, लड़ते लड़ते हंसते हंसते उसने अपनी प्राणों की बाजी लगा दी थी देवभूमि उत्तराखंड के लिए। तो आज उसी मंदिर में हम मौजूद हैं, यहाँ पे गेट दिखाएंगे आपको, ये गेट आप देख सकते हैं, और घंटी यहाँ पे बंधी हुई है। काफ़ी बढ़िया सुंदर ढंग से बैठने के लिए श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे बने हुए हैं चबूतरे, इसका आप नज़ारा देख सकते हैं यहाँ से गेट का। तो साथियों, आज लाए हम आपको सल्ट महादेव, जिला पौड़ी गढ़वाल, नैनीटांडा ब्लॉक, सल्ट और गढ़वाल से, कुमाऊँ और गढ़वाल की श्रद्धाएँ इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं, लघु केदार के नाम से भी जाना जाता है ये मंदिर। तो आज इसी मंदिर में हम दर्शन करेंगे और वहाँ पे पुजारी से भी बात करेंगे, कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे। तो चलिए साथियों, मंदिर के अंदर चलते हैं गेट के अंदर से। दर्शकों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज़, देवभूमि उत्तराखंड की दमदार आवाज़। और आप, हम सभी जानते हैं कि आज श्रवण का पहला दिन है, आज पहला सोमवार है 2020 का। और उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से हम यहाँ पे पहुँचे सल्ट महादेव में, जिसमें कुमाऊँ और गढ़वाल की आस्था जुड़ी हुई है। और यहाँ के लोगों से, यहाँ पे पुजारी जी से भी हम बातचीत करेंगे, वॉइस ऑफ माउंटेन पे इस मंदिर की जानकारी बटोरेंगे, और सबसे प्राचीन मंदिर में से ये मंदिर गिना जाता है। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले पुजारी जी से यहाँ पे बातचीत करते हैं। नमस्कार। तो सर, सबसे पहले तो वॉइस ऑफ माउंटेन का आपका स्वागत है। नमस्कार। और हमारा वॉइस ऑफ माउंटेन के दर्शक समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि ये मंदिर कितना पुराना है।
ये तकरीबन जो हमने अपने पिताजी से सुना, हमारे पिताजी पहले पुजारी थे यहाँ पे, तो वो कम से कम 7-8 पीढ़ियों का नाम लेते थे। तो 7-8 पीढ़ियों का मान के चलो 500-700 पुराना इतिहास हमको मालूम है कि कहाँ से कर रहे थे। तो ये जो इतिहास है यहाँ पे, इतिहास जुड़ता है तिलू रौतेली से। जब तिलू रौतेली का युद्ध हुआ था यहाँ से, तो कहते हैं कि तिलू रौतेली यहाँ से सेना बना के चली थी। तो ये इतिहास वहाँ से जुड़ता है। बाकी ये यहाँ पे स्वयंभू लिंग है, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, स्वयं प्रकट हुआ है। कहानी इसकी है कि बहुत प्राचीन काल में कोई ग्वाला था जिसकी गाय यहाँ चल रही होती, तो शिव के ऊपर दूध देती थी अपना शाम का, और वो बेचारा समझ नहीं पाया, उसने अपना कुल्हाड़ा लेके उल्टा कुल्हाड़ा शिवलिंग में मार दिया। तो उसके बाद उसको शापित सा हो गया, तो उसको आजीवन यहाँ पे ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ा और फिर पूजा करनी पड़ी। तो इस तरह से ये चला है वहाँ से, और पूजा इसकी राजपूतों के पास है। यहाँ इनकी देवी हैं ऊपर भवन देवी, इनकी शक्ति है भवन देवी, वहाँ भी पूजा राजपूतों के पास है। सौंद रावत हैं यहाँ पे, उनियाल रावत हैं, वहाँ सौंद रावत हैं। बाकी इनका भैरव लंगूरी भैरव है, लंगूरी पट्टी में इनका भैरव है, और ये कम से कम 500-700 साल पुराना इतिहास है। अब ये जो मंदिर अभी आप देख रहे हैं, ये तो 1960 में बना हुआ है। उससे पहले यहाँ पठालों का मंदिर, विशाल मंदिर हुआ करता था, ये गुजरू महाथन ने बनाया। उससे पहले यहाँ के सभी निवासियों ने मिलकर बहुत विशाल मंदिर बनाया हुआ था। और ये ज्योतिर्लिंग में एक बार जोशीमठ, ये जो हमारे जो उत्तर शंकराचार्य हैं हमारे पीठ के, वो आए, जब इनने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, तो उनने इसको लघु केदार की संज्ञा दी। उनने कहा इसकी छवि बिल्कुल लघु केदार से मिलती है, तो उनको लघु केदार भी इसको कहते हैं हम लोग। आप यहाँ पूजा अर्चना चलती रहती है। तो पुजारी जी ने बहुत ही बारीकी से और सुंदर ढंग से इसका वर्णन किया, इस प्राचीन मंदिर का, और 11-12 ज्योतिर्लिंग में से ये मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध अपने आगे ले चला है। और कुछ माता और बहनों से भी यहाँ पे बातचीत करते हैं, क्योंकि आज श्रवण का पहला दिन है, तो बहनें भी कुछ पूजा पाठ करने के लिए, कुछ मंदिर पाने के लिए इस मंदिर से आए होंगे। तो आप किस गांव के सबसे पहले? हम ग्राम जमरिया तल्ला। तो आप इस मंदिर में आज व्रत है? हाँ जी, आज हमारा फर्स्ट श्रावण का पहला व्रत है। अच्छा, और हम यहाँ पे दर्शन के लिए आए। सुबह सुबह काफ़ी अच्छी भीड़ थी, जैसे आपको बताया कि श्रावण का पहला सोमवार है, इसलिए सब श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो अभी तो बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ इस छठ माता का एक पूरा सुप्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, तो मैं तो सभी से अच्छा कर आग्रह करना चाहूँगा कि आइए दर्शन कीजिए हमारे भोलेनाथ जी। बहन जी आप? हाँ, हम क्या बोले, यही बस बढ़िया है यहाँ पे सब कुछ, मतलब ठीक लगता है। तो रोज आते मंदिर में या कभी कभार? चलो, एक दीदी से हम बात करते हैं। दीदी नाम क्या? दीदी कई गाँव बटे है चौप पदगाँव बटे है। अच्छा दीदी, हाँ पछण दीदी। अच्छा दीदी बताओ कि तुम इधर दूर बहे हो, तो आज ब्रज से आता तुम? अच्छा, तो हाँ मंदिर में कम लगे तुम तैयार है? बढ़िया लगे, जब बढ़िया लगा तब तो हम आमर हो। चलो यहाँ भगवान हो कि भोले बाबा का दर्शन करा, हाँ बर्थ भी चाहिए भोले बाबा की आशीर्वाद। चलो बढ़िया, भोले महादेव का ये प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की खूबसूरती और खासियत यहाँ पे, इसी मंदिर के अंदर हम चलेंगे, यहाँ पे दर्शन कर लिए हमने, तो चलिए साथियों। यहाँ पे नंदी है, नंदी के दर्शन खड़े करते हैं यहाँ पे, और जब तक नंदी के दर्शन ना हो तो अंदर के दर्शन भी तब तक नहीं कर सकता हम, जब तक पहले नंदी के दर्शन आगे न चले जाए। तो हम भी नंदी के यहाँ पे दर्शन कर, तो आइए थोड़ा हम यहाँ पे अंदर को दिखा रहे हैं नंदी के अंदर। और यहाँ पे कलश देख सकते हैं आप, यहाँ पे नीचे फल चढ़ाए हुए हैं, ये होटल लगा हुआ है कि कोई भी श्रद्धालु आ जाता है तो उसको यहाँ पे टीका लगाया जाता है, आप त्रिशूल देख सकते हैं। और इसी पे तो काफी चीजें जुड़ी हुई है, शिव भगवान विराजमान है बिल्कुल। तो साथियों ये बढ़िया मंदिर, प्राचीन मंदिर, इसके दर्शन आज छठ महादेव के हमने आपको वैजो माउंटेन पर करवाए। तो चलिए कुछ लोगों से आगे बातचीत करिए। तो चलिए साथियों, यहाँ पे कुछ स्वयं सेवा संस्थाएँ भी अपने तरफ से यहाँ पे साफ सफाई करते हैं, जैसे ये लड़का भी कर रहा है यहाँ पे। तो ये कितना जानते हो आप इस मंदिर को, कब कब आते हैं?
मंदिर तो हमारा घर यहीं पे, हम यहीं पे रहते हैं। अच्छा। मंदिर आते रहते हैं साफ सफाई करने, जब गंदी हो जाती है गंदी। तो आज सुबह पहला सोमवार है तो आज सुबह से लगे पड़े हैं तो लोग आ रहे हैं। अभी कोरोना का वो चल रहा है तो सैनिटाइजर दे रहे हैं लोगों को। हाँ। तो उस वजह से मंदिर साफ, अंदर एक भाई अंदर बैठा था। हाँ। और भाई बाहर खड़ा हुआ था तो हम वहाँ पर सफाई कर रहे थे। हाँ, बाकी अभी लोग चले गए तो उसके बाद सफाई कर रहे हैं, फिर अगले दिन आएंगे तो उसके लिए साफ सफाई कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ थी यहाँ पे सुबह से आए थे लोग? हाँ, सुबह से तो लोग बहुत आए थे, कम से कम जा सा 200-300 लोगों की भीड़ रही होगी। हाँ, फिर उसके बाद कम हो गई थी बाद में, फिर बारिश पड़ गई थी तो भीड़ ज़्यादा हो गई थी, बारिश के कारण लोग नहीं आ पाए घरों से अपने। हाँ, तो यहाँ पे कुछ श्रद्धालुओं से हमने बातचीत की जो मंदिर का रख रखाव भी करते हैं, जिसकी देख रेख भी करते हैं, देखते हैं। तो साथियों, इसी प्रकार हम नई जगह पर नए सिद्धपीठ को दिखाएंगे, नई जगह को दिखाएंगे, नए लोगों से मिलवाएंगे, नए कल्चर से मिलवाएंगे। तो आप देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन। मैं महिपाल सिंह रावत, अपने कैमरामैन वीडियो जर्नलिस्ट के साथ संत महादेव दुआ। जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज़, गांव की आवाज़, घर घर की आवाज़, पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज़ था आपको सहयोग जरूरी छ, आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा। और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। वाला दिनू ते से की समा लिया, ए जावा ए जावा।